ये बहुत गंभीर बात है। हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लिए हमने किसके लिए लिए? शादी होना इसलिए लिए, सर्टिफिकेट चाहिए इसलिए लिए, मेंबरशिप चाहिए इसलिए लाए, सिटीजनशिप चाहिए इसलिए लिए, नाम चाहिए इसलिए चाहिए, माँ बाप बोले इसलिए लिए। क्यों लिए बपतिस्मा? ये जब तक अंदर से नहीं होता है ना, तो बपतिस्मा लेना गुनाह है। मैं अपने अनुभव को बताता हूँ, मेरे को ना मेरे माँ ने बोला, ना मेरे बाप ने बोला, ना कुछ बोला। मैं एक कन्वेंशन में गया था हैदराबाद, पवित्र आत्मा ने काम किया एंड आई टुक बैप्टिज्म देयर। उधर से आने के बाद घर में पता चला कि मैं बैप्टिज्मा लिया हूँ। मेरे पिता बहुत खुश हो गए थे, ऐसा नहीं बोले कि मेरे को क्यों नहीं बोले। खाना लोगों को बुलाते, हम सफेद कपड़े पहनाते, ये करते, कुछ नहीं। अरे यार, तेरा बपतिस्मा कैसा हुआ है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। फेडरेशन ऑफ इवेंजिकल चर्चेज ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मैसेंजर फॉर क्राइस्ट द्वारा प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम युवा दर्पण पूर्व में रेडियो पर प्रसारित किया जाता था। उस कार्यक्रम के स्मरण में उसी कार्यक्रम से जुड़े परमेश्वर के सेवकों की ओर से डॉक्टर पी देवदास के अगुवाई में बी कुमार का नमस्कार। कोई भी माता पिता अपने बेटे का नाम यहूदा नहीं रखते। यहूदा इस्करियोत ने परमेश्वर के मुख्य एवं महान योजना में अपना मुख्य किरदार निभाया, किंतु उनका पछतावा सही नहीं था। यीशु के प्रेम की याद में वो गलत कदम उठा बैठे। इसी संबंध में स्वर्गीय प्रभा तिमोथी की आवाज में ये मधुर गीत सुनिए, जिसके शब्द है, दिल में मसीह के प्यार की आती रही है याद। प्रभा तिमोथी। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद आता है 1979 से लेकर 82 तक हमने ये रेडियो प्रोग्राम दिया था, और जो अभी आपको बताए हैं, अनाउंस किए हैं, इनको देख के ही भी दिल्ली में सबसे पहला TWR के ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के उस जो डायरेक्टर था और जो स्टूडियो इंचार्ज था, उसने देखते ही बोला, कुमार की आवाज़ टेस्ट किया, सबकी आवाज़ टेस्ट कर रहे थे, और बोले कि ही विल बी द अनाउंसर फॉर द होल प्रोग्राम।
करके उसने अनाउंस कर दिया था। इसकी आवाज़ उतनी सूट की थी। वैसे भी देखिए छत्तीसगढ़ी में जो जीजस फिल्म बना है उसमें यीशु मसीह का डबिंग पूरा कुमार की आवाज़ में है, तो ये आवाज़ इसकी बहुत मशहूर है। तो मैंने कुमार को बोला, कुमार भाई ईश्वर ने हमें आशीष दी है, अभी तक हम जिंदा हैं, तो एक बार फिर जुड़ के काम करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम आज मिला। मैं आपको एक अनुभव उसके बारे में बताना चाहता हूँ, सुनिए आप। आई बिकम इमोशनल, लॉर्ड हेल्प मी। अब देखिए क्या है कि जैसे हम लोग दिल्ली गए थे, मैं गया था, बर्णबास गए थे, प्रभा थी, विनोद तिमोती था, और म्यूजिक म्यूजिशियंस को वहीं से हायर किए थे। प्रभा को देखते ही लोग म्यूजिशियंस वहाँ करते, दीदी 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 हम आए क्या, हम आए क्या, जैसे भी सब्जी भाजी बार्गेनिंग होता ना वैसे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि इसको सब जानते थे वहाँ पर। तो खैर जो भी है, गाने वाने तो गाने का तो खैर टेस्ट का कोई सवाल ही नहीं था। प्रभा तिमोती का तो आवाज़ जैसा भी गाए वो तो सोना है, और अब जब उदित सोना लिखता है तो फिर वो गाना और भी सोना है, और भी गाना आपको सुनाते हैं। अब ये चीज देखिए, मतलब ये है कि मैं बर्णबास का टेस्ट हुआ, बोले कि बिल्कुल फिट है। तो एक बर्णबास था एक मैं था, तो मेरे भाई बर्णबास तो फिट हो गया। उसके बाद मेरी आवाज़ टेस्टिंग की पारी आई तो मेरे को बोलता है कि यू आर नॉट फिट, यूर वॉइस डजंट सूट अस। आकर मैं बोला क्या करूं, उसने बहुत मौका दिया, पानी पी के और ये करो वो करो, दुनिया भर का कुल्ला करो, कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं हो सकता, ठीक है, निराश तो हुआ। 1979 की बात है, मैं भी जवान था, हम लोग सब जवान थे, मैं छुट्टी लेके आया हूँ, खुदा क्या होगा क्या करना, खैर जो भी हो, अब जो भी हो तो गया, अब तो करना है, कल चले जाऊँगा करके। दूसरे दिन जब सवेरे उठा, मेरे कुत्तों के सब स्टूडियो जा रहे थे, मैं बोला चल भाई मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ, फिर मेरा टाइम होगा मैं निकल के चले जाऊँगा। ठीक गए और जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, वो जो टेक्नीशियन था उसने बोला सर व्हाई डोंट यू ट्राई वंस अगेन। तो मैं बोला ठीक है, तो उसने दिया बोलने के लिए, और मैं लेके बोला तो बोलता परफेक्ट, कैसे 100% हो गया। मैं बोला क्या बात करते हो यार, कल भी तो यही था, यही आवाज़ था। मेरे को अचानक याद आया कि रात में मैं भूल गया था, सपना था कि दर्शन था क्या था। मैं देखा मेरे फादर, उस समय वो नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, वो पीला वाला कुर्ता जो उनका एक मैरम में मालूम था, वो कुर्ता पहन के घुटना टेक के प्रभु से ऐसा बोल रहे हैं कि इस लड़के को एक बार तू मौका दे, खुदा यूज़ हिम फॉर योर सर्विस, ऐसा करके उनकी दुआ सुना। मेरे को याद आया मेरे बाप ने दुआ किया, मेरे बाप ने उसको मंजूरी दे दी। और देखो मतलब क्या मिराकल होता है, जो ये है। तो कुमार वो अनाउंसर था, उसको मैं बोला कि भाई चलो, अभी बेचारा बीमार था, अभी हॉस्पिटल से ही छूट के आया है, और वो फिर वो तैयार हुआ, उसका नाती ने उसको रिकॉर्ड किया और आपके सामने दिया। अब प्रभाग का गीत देखिए, गीत में भी दम है, लिखने वाले में भी दम है, गाने वाले में भी दम है, और आशीष देने वाला तो हमारा माई बाप दमदार है। खैर जो भी है, कुमार ने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड ही नोज दैट व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। उसको मालूम था मैंने बताया कुमार ऐसा है, तो उस मेरे को बैकग्राउंड बना के दे, बहुत सुंदर बैकग्राउंड बना के मंच सौंपता है यार। और फिर प्रभा गाती है ना, उसके बाद तो फिर बारिश होने लगती है आत्मा की। देखिए यहूदा के बारे में उसने आपको बताया, आप समझ गए होंगे कि यहूदा के बारे में देवदास बोलेगा, और देवदास यहूदा के बारे में ही आज बोलेगा। और यहूदा का जो इम्प्रेशन है ना, बहुत ख़राब इम्प्रेशन है, और मैं चाहता हूँ ऐसा ख़राब इम्प्रेशन मत रखो यार। कोई भी अपने बच्चे का नाम यहूदा नहीं रखना चाहते, मजाक के तौर पे किसी को बोल के देखो बच्चे का नाम क्या रखना, पादरी साहब, हम लोग जाते हैं ना कहेंगे पादरी साहब बोलते, पता नहीं क्या है, तो बोले यहूदा रखो तो हंसने लगते हैं लोग, सोचते मजाक कर रहे हैं। अब मैं बताऊं यहूदा के बारे में इम्प्रेशन आप थोड़ा सा अच्छा बना के रखो। यदि मैं बोलूं एक हफ्ता पहले यदि यहूदा मरा होता ना तो वो सेंट होता। वो एक हफ्ते में जो कुछ गड़बड़ हो गया, सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, यीशु मसीह के डेथ के एक हफ्ता पहले यदि वो मरता ना तो उसका सेंट में नाम आ जाता। अब देखिए मैं बताऊँ जॉन, ये जैसे कि ये हिस्ट्री बताती है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ करेक्ट, लेकिन मैंने रिसर्च करके कुछ देखा भी है और सुना भी है, लोगों का जो है ऑडियोज़ वगैरह सुना मैंने, बोले कि ये जो जुड़ास है ये जो है कैरोथ का है, मतलब KERIOTH कैरोथ का है, और कैरोथ में रहने वाला मतलब जूडास ऑफ कैरोथ, मतलब इसको बोलिए जूडा इस्करेथ,
इस्कोरेथ, यूदा इस्करेथ हम उसको बोलते हैं। और ये ऐसे देखिए, इसका बाप जो है वो शेमोन है, वो बोलते हैं शायद कोड़ी था, तो पहल ठीक हो गया, जैसा भी ठीक हुआ मेरे को सब नहीं मालूम, लेकिन ही इज़ अ मनीड मैन, पैसे वाला व्यक्ति था, अच्छा रिपूटेशन था, मतलब अच्छे रिपूटेशन वाले का लड़का था। ये खेरात में एक ऐसा प्रीचर आया जो कि वोटो का रोम वाला वस्त्र पहनता है, चमड़े का बेल्ट लगाता है, टिड्डियाँ खाता है, जंगली मधु पीता है। ऐसा स्पीकर उस जगह पर लोगों ने कभी देखा ही नहीं, ऐसा स्पीकर आया है बोलते। और जब आया वो, उसके पीछे भीड़, और वो भी क्या है, खड़ा 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 एकदम बोलने वाला, क्या बोलता है कि बस आने वाला है, समय निकट है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मतलब ठेठ लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई पॉलिश करना, बैकग्राउंड बनाना, इमोशन क्रिएट करना, गाना गाना, ये करना वो करना नहीं है। एक प्रीचर ऐसा है कि खुल के बोलने वाला आदमी, दना दन एकदम फायरिंग शुरू हो जाता है, भीड़ लोग जाने लगे, बपतिस्मा लेने लगे। और ये भी बोल रहा था कि मैं तुमको जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन वो है जो मेरे पीछे आने वाला है, वो कैसा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जिसकी जूती का बंद खोलने लायक भी मैं नहीं हूँ। अपने आप को इतना कम समझ रहा, हकीकत है समझ रहा है, और परमेश्वर को महिमा दे रहा है। और यहाँ पर भीड़ जा रही है। एक जवान लड़का जिसका नाम जूडास था, यहूदा था, ये शिमोन का लड़का था, ये भी भीड़ में चले गया। इसके भी गर्दन के नीचे उसने हाथ रखा, पफ रख के उसको डुबाया और निकाला। जैसे डुबाया था वैसे ही निकला, जैसे अंदर गया था वैसे ही बाहर आया। बपतिस्मा का मतलब नहाना नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हल्के में नहीं बात कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बात है। हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लिए हमने किसके लिए लिए, शादी होना इसलिए लिए, सर्टिफिकेट चाहिए इसलिए लिए, मेंबरशिप चाहिए इसलिए लाए, सिटीजनशिप चाहिए इसलिए लिए, नाम चाहिए इसलिए चाहिए, माँ बाप बोले इसलिए लिए, क्यों लिए बपतिस्मा? ये जब तक अंदर से नहीं होता है ना, तो बपतिस्मा लेना गुनाह है। मैं अपने अनुभव को बताता हूँ, मेरे को ना मेरे माँ ने बोला, ना मेरे बाप ने बोला, ना कुछ बोला। मैं एक कन्वेंशन में गया था हैदराबाद, पवित्र आत्मा ने काम किया, एंड आई टुक बैप्टिज्म देयर। उधर से आने के बाद घर में पता चला कि मैं बैप्टिज्म लिया हूँ। मेरे पिता बहुत खुश हो गए थे, ऐसा नहीं बोले कि मेरे को क्यों नहीं बोले, खाना लोगों को बुलाते, हम सफेद कपड़े पहनाते, ये करते, कुछ नहीं। अरे यार, तेरा बपतिस्मा कैसा हुआ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। याद रखना ये क्या हुआ, इसका नाम जूडास है, ये जूडा मतलब यहूदा है, मैं जूडा जूडास बोलूँगा, देखना यहूदा है। यहूदा का मतलब क्या है, बहुत अच्छा नाम का भी मतलब बहुत अच्छा है। इसका नाम का मतलब है आई विल प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा, इसके नाम का मतलब है। देवदास का मतलब मैं देव परमेश्वर की सेवा करूँगा मतलब है। पत्रस मतलब चट्टान है, पत्थर जिस पे बनाने वाला है। हर एक नाम के पीछे एक एक चीज अपन नाम रखे हैं, जैसे जैसे नाम हम खोजते हैं, अच्छा खोज के मतलब निकाल के नाम रखते हैं, लेकिन नाम के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं ये देखना चाहिए। वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल इन दिस। हम अपने नाम को मेंटेन करें, प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं। और ये यहूदा जो देखे, ये क्या बोलता है यहाँ पर, इसको यहूदा को बपतिस्मा तो दे दिया, उसके बाद इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि वैसे ही जाके डूबने से कोई मतलब नहीं है। यहूदा बुरा आदमी नहीं था, बहुत क्लीन आदमी था, इसके चाल चलन चरित्र में कहीं पर भी कुछ भी आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ही वॉज अ वेरी गुड मैन, मैं बताया ना सब कुछ ठीक है, एक चीज की कमी के कारण सब कुछ खत्म हो जाता है, और वो चीज वो है। और ये यहूदा को आप, मैं बताऊं, आप पढ़ते जाना यहूदा के बारे में जहां भी, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक, ये 3.5 साल की सेमिनरी जो इसकी थी ना, यीशु मसीह के पीछे था ना, ये हरदम ये करता था कि मैं अब कन्फेस कर लूं, अब बोल दूं, लेकिन नहीं बोल पाता, नहीं कर पा रहा। अच्छा आदमी था ये, इतना ही नहीं, ये सब लोगों को मालूम था। अब यीशु मसीह जो है, ये आपको देखे, ये होना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 70-71 में ये आंसर यीशु मसीह का मिलता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना है, क्या तुम 12 लोगों को मैंने चुना नहीं है, मैं चुना हूं, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। फिर क्यों चुना है, परमेश्वर की इच्छा, अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है,
बाकी सब कुछ ठीक है, शायद एक काम ठीक कर लेगा तो ये बहुत अच्छे ऊंचे पर्त पर चला जाएगा। तुम में से एक व्यक्ति शैतान है, यह उस शेमोन इस्करेती के पुत्र, शेमोन जो है इस्करेती जो था, एक जो आदमी जो पैसे वाला बिजनेसमैन बड़ा सा था, शायद कोढ़ी था, ठीक हो गया जो भी है, उसका लड़का था। और ये शिमोन इस्करेती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। क्या तजुर्बा है, अब देखिए मैं बताऊं। और वही उसे पकड़वाने वाला था, जिसको चुना उसी को वही पकड़वाने वाला था, क्योंकि जीजस को मालूम था कि यहूदा ही उसको पकड़वाएगा। तो सवाल ये उठता है मेरे मन में, तुम्हारे मन में, जैसे मेरे मन में पहले उठा, तो मैं सोचता हूँ तुम्हारे मन में, आपके मन में भी, हर एक के मन में भी यही उठेगा कि फिर क्यों चुना। अरे जब मालूम था कि ये पकड़वाने वाला है तो फिर क्यों चुना, मालूम था कि ये शैतान है इसको क्यों चुना, मालूम था कि ये उद्धार नहीं पाया है इसको क्यों चुना, मालूम था कि इसका बपतिस्मा बेकार है तो इसको क्यों चुना। सवाल उठता क्यों चुना, तो मैं एक आपको अपने ढंग से मैं इसको बताता हूँ। देखिए मैं जैसा पढ़ के समझा जो भी ये किया कि बच्चे जो हैं हमारे लिए हेडेक हो जाते, बात नहीं मानते, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, ये करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये नहीं करते, टेंशन होता है और उस घर से पूरा बर्बाद रहता है, परेशानी हो जाती है, फिर बच्चे क्यों पैदा करते हैं? बच्चा चाहिए नहीं है तो बहुत बड़ा गम है। ऐसी और बताऊं, जैसे परमेश्वर को, आदम को क्यों बनाया उसने? अपने स्वरूप में बनाया, मोहब्बत से बनाया, प्रेम से बनाया, रोज शाम को मिलते थे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते थे, हालो हाय हाय करते थे, सब कुछ था। मालूम था कि एक दिन भटक जाएगा, मालूम था कि ये इसमें जो है अनज्ञानता, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता, मतलब डिसोबे करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, फिर बोल नहीं पा रहा हूं, आज्ञा का उल्लंघन करता है, करेगा, फिर क्यों बनाया? ऑप्शन देता है, एक मौका देता है, और एक मौके में जो सुधर जाता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। यदि मुझे अवसर का फायदा मैं उठाऊं ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जूडा जो है, यहूदा जो है, अंदर से नहीं बदला था, इसको न्यू बर्थ मालूम नहीं था, कई बार कन्फेशन करने की कोशिश की होगी, और वैसे भी चेले सभी लोग में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था यार, कौन सा चेला अच्छा था बताओ ना, सभी में ईर्ष्या थी, मैं बैठूंगा दाहिने तरफ और मेरा क्या पोजिशन होगा, मैं छोड़ के आया हूँ मेरे को क्या मिलेगा, मैं कौन सा पद पे रहूंगा, यही सारी चीजें इनमें थी, मतलब इनमें पोजीशन का था, पॉलिटिक्स था, इनमें राइवलरी था, राइवल भी थे एक दूसरे के, और सब कुछ था, ये लोग था, लेकिन ये सुधरे हुए थे। 3.5 साल के ट्रेनिंग में सबको सुधार दिया, कर दिया। बीडी शायद 3 साल का होता है, नहीं 4 साल का होता है, बीटीएच 3 साल का होता है, सुधार दिया इसने, बीटीएच का डिग्री सबको मिल गया, सुधार दिया। लेकिन एक बात है कि एक जन नहीं सुधर पाया, जो आखिर तक नहीं सुधर पाया, क्यों मैं बताऊं, मेरी जो बेथनी में है वो यीशु मसीह के पैर धोने के लिए इत्र को लाई और पैरों को चूमा धोके। उस समय भाई यहूदा वहां थे और इसके दिल में वही फितरत चल रही थी, और क्या बोलता है, इसको भी 300 दिनार में बेच के हम गरीबों को दे सकते हैं, मतलब ही वॉज नॉट कंसर्न विद गरीब, गरीबों की सुधी का नहीं था ये, वहाँ पर उसको कुछ ईर्ष्याती हो गई थी। अब देखिए, एक जो ये चरण चूमी है ये, और ये गई स्वर्ग, और ये गाल चूमा है और गया नरक। नीचे चूमने वाले ऊपर चले गए, ऊपर चूमने वाले नीचे चले गए, ये है 30 टका में भेज दिया, 30 शक्ल में भेज दिया, चांदी के 30 सिक्के में भेज दिया, यीशु मसीह के सेवकाई के, यीशु मसीह के उम्र के 30 साल, 1 साल का 1 सिक्का लगा होगा मेरे को लगता है, अंदाज में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया। देखिए निर्गमन में भी आप देखेंगे ना, 21वें अध्याय के शायद 32वचन को आप खोल के पढ़ेंगे ना, उसमें यदि बैल मार देता है किसी दास को और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जिसका बैल है, जो उसने मारा है और जो मर गया है, उसको 30 चांदी के सिक्के देगा। किसको देगा? सेवक के बदले में 30, यीशु मसीह के बदले में 30, सेवक जो है 30, यीशु मसीह जो है सेवक, दास, हमारे लिए अपने आप को नीचा कर लिया, इतना नीचा किया कि शून्य हो गया करके फिलिप्पी बोलता है, और क्या कर सकता है।
मेरा यीशु मसीह जैसा दयालु अनुग्रहकारी नहीं मिलेगा। मैं तो कुमार के साथ शेयर कर रहा था, मतलब ये है कि उसने क्या आयु दिया है, हम क्या जवानी 79 में काम करते थे, याद रखें क्या जोश था, और यीशु मसीह ने अभी तक हमें जीवित रखा कि आज फिर से हम उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए ब्लेसिंग, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मतकू घाट में हम लोगों ने सेवकाई साथ में, मैं और कुमार ने किया था, उसकी वाइफ की डेथ अभी हुई है, लेकिन वो भी कहता है कि मेरी वाइफ परमेश्वर के पास में, उनके बच्चे लोग की गवाही मैंने सुना, मेरी वाइफ की गवाही को मैंने सुना। याद रखना, कुछ खोने का नहीं है, कुछ खोने का नहीं है, नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन, सब कुछ हमको मिलता ही जाएगा, और दे रहा है, चल रहे हैं, सांस चल रहा है, 75-78 साल के हो गए हैं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वॉकिंग, और जो कुछ भी है वो थोड़ा बहुत है तो उसके लिए हम शिकायत ना करें, लेकिन वी शुड प्रेज हिम कि हमें आज मौका दिया कि हम एक साथ सेवा करके परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। यहूदा तू कब पश्चाताप करेगा, यहूदा तू कब मानेगा, तेरे दिल की बात को कब उगल देगा। तो याद रखना कि तेरे लिए मौका 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 मिलते जा रहा है, ये मौकों का फायदा तुमको उठाना पड़ेगा। यहोवा आशीष देता है, दुख नहीं देता, और दुख देता है उसमें भी सुख देता है, ये सब कुछ है। मतलब देखिए, हम ये इसमें कोई लोग बोलते हैं कि धन दौलत संपत्ति का इसको आप क्षति, हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि यहूदा जो है लालची पैसे का, मेरे को लगता है पैसे वाले का बेटा है, खैर पैसा पैसा को चाहता है ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा लालच नहीं होगा। एक दूसरा भी कुछ कर, ये मतलब इसका एक्सप्लेनेशन और कमेंट्रीज मैंने पढ़ा और कई लोगों के व्यूज पढ़ा, वीडियो सुना, मैं सब कुछ किया, और उसमें एक और ओपिनियन मिलता है कि यहूदा जो है ये चाहता था एक अच्छा पोजिशन प्राप्त करना, इसको ट्रेजरर करके चुने हैं। ट्रेजरर कैसे चुने हैं, अब देखिए ये जो 12 चेले थे ना, ये इसमें सब 11 लोग गलीली थे, और एक जो है ये था जो कि ये क्या कर सकता था, ये मतलब इसकी लैंग्वेज अच्छी थी, ये कुछ हेब्रू भी बोल सकता था, आर्मेनियन लैंग्वेज भी बोल सकता था, अच्छा प्रोनाउंसिएशन था, अच्छा दिखता था, कैपेबल था, इंटेलिजेंट था, लेकिन इन लोगों को जो है गलीली लोग को बहुत ही नीच मानते हैं, लोग अशिक्षित मानते हैं उस समय। जैसे भी देखें पतरस के लिए भी, जैसे अपन देखते हैं ना, पतरस जब झूठ बोला तो उसके बाद उस स्त्री लड़की आई, वो बोली कि मैं तुमको देखी हूँ, तो बोले कि नहीं 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 मैं नहीं हूँ, तो उसको बोले कि नहीं तेरे बोलचाल से पता लग रहा है कि तू गलीली है, योर एक्सेंट शोज दैट यू आर गलीलियन, एक्सेंट से पता लगता है। कैसे पता लगता है, जैसे देखिए अपन, मैं बोलूँगा आंध्र प्रदेश का कोई आएगा बोलेंगे ये तो मद्रासी है, बंगाल वाला आए बोलेगा तो बंगाली है, बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी बोली से पता लग जाएगा कहाँ का है, कौन सा प्रांत का है, उड़ीसा का है कि छत्तीसगढ़िया है कि कौन सा है, जो भी है ये सब पता लग जाता है। ये तो अपन को नेचुरली मालूम कैसा होता, नेचुरली वी मतलब वी डिटेक्ट दैट कौन सा स्टेट का है, क्या है, क्या बहुत कुछ मालूम हो जाता है, चेहरा देख के भी मालूम हो जाता है। इसलिए इसको बोले एजुकेटेड आदमी है, इसको नाम दिए। मत्ती को ले सकते थे ना भाई, टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेता था, पैसे का लेन देन तो दिन भर करते ही रहता था, ट्रेजरर उसको क्यों नहीं बनाए, इसको बनाए क्योंकि एक अलग रेपुटेशन था, एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी सब था, और ये एक अच्छा मतलब सब कुछ इसमें अच्छा ही थी, इसलिए लोगों ने इस पर भरोसा किया और इसको ट्रेजरर बनाया। यीशु मसीह ने भी उसको कबूल किया, लोगों ने प्रपोज किया, जीसस हैज एक्सेप्टेड दैट, और ये ट्रेजरर भी हो गया। अब देखिए ये जो है ट्रेजरर साहब को पैसे की लालच है, पता नहीं, मेरे को लगता है पोस्ट की लालच होगा, ये सोचता होगा कि जैसा भी होगा। देखिए आखिरी सिचुएशन में क्या है कि जब ये क्या बोलते हैं अपर रूम में जब ये जाते हैं ना, ऊपरी कोठरी में जाते हैं, उस समय वहाँ पर ये यीशु मसीह सबके पैर धोता रहता है, उसमें दिया हुआ ना आप पढ़ लेना, आप जैसा भी होगा जान, और वो समय पैर धोता रहता है, और जब पैर धो रहा है उस समय एक एक के अंदर में क्या बीत रहा होगा कि गुरु आके मेरा पैर धो रहा है, और बाप रे, पतरस बोलता है मेरे पैर मत धो मेरे बाप, तो बोले नहीं तेरे करना पड़ेगा,
बोले मेरे को पूरा नहला दे, बोले नहीं जो एक बार नहाया उसको खाली पैर धोने की जरूरत है, मतलब वंस यू हैव टेकन बैप्टिज्म तो उसके बाद रिनाउन जो है ये मिनी बैप्टिज्म तुमको होते रहना चाहिए, पैर धोते रहना चाहिए, गंदगी से दूर रहते रहना चाहिए और ये सुसमाचार का प्रचार करते रहना चाहिए जब तक जीवन है, जब तक सांस है उसका काम को करते रह करते रह करते रह, तेरा पैर मैं धोता हूँ। पैर भी उसका धोया। अब देखिए यहूदा के पास थैली रखी रहती थी, जब यहूदा के पास ये आया होगा तो यहूदा को क्या हुआ होगा, हाथ पकड़ लेता यीशु मसीह का, मेरे बाप मुझे क्षमा कर, ये 3-3.5 साल जो चला हूं ना मैं तेरे साथ में, क्या दर्द लेके चला हूं मुझको मालूम है, मैं बोल नहीं सकता, मेरे बाप मेरे को बोल लेने दे, यीशु मसीह बोलेगा मुझे मालूम नहीं, मुझको बोलने दे, क्या बोलेगा, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं अपने पापों को मानना चाहता हूँ, मेरे बपतिस्मा नहीं था, मेरी गवाही वो गवाही नहीं है जो ऐसी होनी चाहिए, जिस बात को मैं करना चाहता हूँ उस बात को मैं नहीं कर पाता, जिस बात को नहीं करना चाहता वो काम मेरे से हो जाता है, जैसे पौलुस ने बोला रोमी 7:7 में कौन सा 19वां वचन करीब बोला है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल सकता है, मतलब आई डोंट टू डू एवरी गुड थिंग बट आई डू इविल, मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मैं बुराई की ओर चले जाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, ये तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हम नहीं करते, जो नहीं चाहते उसको हम करते हैं, जिधर देखना नहीं उधर देखते हैं, जो बोलना नहीं है वो बोलते हैं, जो सोचना नहीं है वो सोचते हैं, जो बाइबल पढ़ना है नहीं पढ़ते, दुआ करना है नहीं करते, मेडिटेशन करना है नहीं करते, धन्यवाद देना नहीं देते, जो भी करना है नहीं करते, यीशु मसीह का धन्यवाद नहीं देते, वो देता है तो खाते हैं, खा के भूल जाते हैं, गुनहगार हैं, गुनाह 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 में डूबे हुए हैं, हे प्रभु मुझे माफ कर, मेरे पैर को छोड़ दे, मेरे बाप मुझको पहले माफी दे दे, फिर उसके बाद बाकर बोलना चाहता है, बोल नहीं पाया, शैतान ने उसको बोलने नहीं दिया, शैतान जो है उसको रोक लिया, उस भावना को नहीं कर पाया। अब उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि यीशु मसीह कहता है इन्हीं में से एक जन मेरे को पकड़ाने वाला, अब थैल का मध्य कौन है और जो है उसको मालूम है कि मैं हूँ। अब देखिए आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 21 से लेके 28-29-30 तक आप बाद में आराम से पढ़ लेना, मैं बताता हूँ। और उससे कहा चेल तो पत्रस ने पूछा एक जिससे बहुत प्रेम रखता था यीशु से, वो है यूहन्ना जो उसके छाती पर था, उससे पूछते हैं पूछना कौन है पूछना, तो यीशु मसीह बोलता है मैं डुबा के जो दूंगा और जिसे दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है, और उसने टुकड़ा डुबा कर शमोन इसको रेती पुत्र को दिया, यूहन्ना ने इसको लिखा। मेरे को लगता है कि मसीह यीशु प्रभु यीशु मसीह इतना धीरे बोले होंगे कि बाकी चेले नहीं सुन पाए हैं, या इतना कुछ हल्ला हो रहा होगा या आवाजें कुछ होंगी जिसे नहीं सुन पाए, लेकिन यूहन्ना जो उसके छाती पर चिपका हुआ था उसने सुन लिया और वो लिखा। क्या लिखा कि टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। आई पिटी फॉर यू जुदा, यहूदा मुझे दया आती है तेरे पे, तो क्या शैतान तेरे अंदर में समा गया, ये शैतान क्यों तेरे अंदर में समाया, क्योंकि तूने अवसर दिया और वो थैली तेरे पास है, कौन सा 30 सिल्वर कॉइन्स में 30 सिक्के में तूने बेचा है, एक एक सिक्का यीशु मसीह के एक एक साल के हिसाब को लेकर तूने बेचा है, और बेचने के बाद याद रखना तू कहा जाके मैं चूमूंगा, तूने उसके गाल को चूमा तू अंदर गया, तो पैर को जो चूमी मरियम वो ऊपर गई, तेरे चूमने में भी दगाबाजी है और मरियम तेरे चूमने में आशीष है, क्योंकि तू मोहब्बत और प्रेम को जाहिर करती है, और क्योंकि तू यहूदा तू ईर्ष्या को जाहिर करता है, तू किस मन से दुआ करता है, हम दुआ करते हैं अपनी जरूरत की चीजें मांगते हैं, मांगो मैं नहीं बोलता मत मांगो, नहीं मैं मांगता हूं, मैं भी मांगता हूं, तुम भी मांगो, लेकिन यहां से मांगो ना, जरूरत की चीजें मांगते हो देता है भूल जाते हैं पाते हैं खत्म, नो थैंक यू नथिंग, क्यों ठेका लिए, अरे सीखो। देखो ये भागे आखिरी में क्या हुआ,
ये जूड़ा जो है ये पश्चाताप, जैसे कुमार ने शुरू में बता दिया तुमको कंक्लूजन और क्लाइमेक्स कि जूड़ा का पश्चाताप जो है गलत था और पतरस का पश्चाताप जो है सही था। ये कौन सा पश्चाताप किया है? ये जाके मैं बोला ना एक हफ्ता पहले सब कुछ नहीं पड़ गया होता तो मुश्किल था, बच गया होता, लेकिन इस हफ्ते में पूरा गड़बड़ हो गया। इसने जाके बेच खाया, अपने मसीह को बेच खाया। मैं बताऊं, गुनाह को माफ़ करने वाला है यार मसीह। इसी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था, उसने कई लोगों को पैसा उधार ही दे के, वो धंधा ही करता था, उधार दिया, उसके अंदर में कुछ आत्मा कुछ आई, उसने कहा सबके कर्जे को माफ़ कर दे, और सबके मर्जे को अपने वकील को बुलाया, सबको नोटिस भेजो कि तुम्हारा कर्जा माफ़, तुम्हारा कर्जा माफ़। और बोलते हैं वो पैराबल को जो मैंने एग्जांपल को पढ़ा उसमें बोलता है कि जितने लोगों को शायद 90 लोगों को शायद उसने 90-100 लोगों को उसने ये वाला लेटर भेज के दिया और उसमें से सभी 100% लेटर्स वापस आ गए, एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों? कि वकील को ही नोटिस दिया होगा कि पैसा और लौटाओ, कुछ होगा, कुछ कोर्ट का नोटिस होगा, सब ने लौटा दिया। माफ़ीनामा, माफ़ी मिल गई होती यदि उस लेटर को मैं खोल देता तो मुझे माफ़ी मिल जाती, यदि उस वचन को मैं पढ़ लेता मुझे माफ़ी मिल जाती, यदि इस बाइबल को मैं पढ़ लेता तो मुझको माफ़ी मिल जाती, इस बाइबल को यदि तुम पढ़ लेते हो तुमको माफ़ी मिल जाएगी। याद रखना जूड़ा, यदि तू मान जाता सब कुछ ठीक हो जाता। यीशु मसीह को जो करना हो तो करता, वो तो माई बाप है, सर्वा सर्वे है, जो कुछ करता, लेकिन तेरी तो उद्धार हो जाता, मुक्ति हो जाती। तू कैसे, क्या हुआ? वही पद फिर लिखा है ना वचन में, फिर कैसा प्रेतम काम लिखा है कि उसने क्या किया, जाके फांसी लगाया, इधर क्रूस पे ये जा रहा है, उधर पेड़ पे ये जा रहा है। ये ट्री जो है सैलवेशन का है, ये ट्री जो है हेल गोइंग ट्री है, ये नाश होने वाला है। इसमें फांसी लगाया, रस्सी लगा के टंगा, रस्सी को भी कबूल नहीं था कि इसको हम ग्रहण करें, रस्सी भी टूट गई, बोले आई वोंट एक्सेप्ट यू, टूट गई, टूट के गड्ढे में गया, इसके बाउल फट गए, जितने भी जो है पतड़ी पतड़ी बाहर निकल गई, गर्दन की हड्डी टूटी, क्या तो डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, पैर का कहां टूटा, गर्दन कहां टूटा, क्या टूटा करके एक्सप्रेशन दे रहा था, पता नहीं कोई अपने अंदाज से दे रहा होगा, अपने भावना में भाव विभोर होके कहता होगा, जो भी कहता होगा, लेकिन ये देता गया। और ये कहे पश्चाताप कैसा हुआ, जूड़ा जो है गलत पश्चाताप किया, गलत ढंग से किया। इतना सारा चीज, इतना हैंडसम आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, इतना मेहनत किया तू, यीशु मसीह के पीछे पीछे चला, तू आश्चर्य कर्म भी किया है, तू आश्चर्य कर्म देखा भी है, सब कुछ तेरे को मालूम है, सारी चीज़ें तुझे मालूम है, फिर भी यीशु मसीह ने तुझे मत्ती 26:50 में कहा, यीशु ने जूड़ा को, यहूदा को मित्र कहा। अभी भी देखो मित्र मतलब इवन ही इज रेडी टू एक्सेप्ट मी, अभी तुमको एक्सेप्ट करने को तैयार है। मेरे भाइयों, यदि अभी तक शायद ओपनली आप यीशु मसीह से बात नहीं किए हो तो मेरी विनती है, कर लो, टाइम है, कर लो, उसके विनती करके मांग लो, सिर्फ इतना बोलो कि मैं तेरे नाम से खुदावन्द इन पापों की क्षमा चाहता हूँ और तुझे अपना माई बाप उद्धारकर्ता मानता हूँ, मुझे अपने शरण में ले ले, मुझे अपने चरणों पे ले ले, मुझे अपने छाया में ले ले, मुझे अपनी जिंदगी तू दे, खुदावन्द तेरे लहू के बूंद को टपका। तू बोल के तो देख, डर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। शायद यही अवसर इसलिए मुझे जिंदा रखा कि मैं आज आपको बोलूं, आपको शायद इसलिए सुनने को दिया कि आज आप इसको सुने। सारी ईर्ष्या द्वेष कपट जलन वलन सब निकाल दो, अपने आप को पवित्र रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, मोहब्बत करो, प्रेम ही सब कुछ है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या पतरस ने क्या बोला, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मुझे उल्टा क्रूर टांगो, और ये जो है सही पश्चाताप किया, ये भी तो कितना किए, झूठ बोला, सब कुछ किया, ये किया, पश्चाताप मांग लिया इसको, मतलब ही एक्वायर्ड एवरीथिंग, ही रिसीव्ड एवरीथिंग, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, सब कुछ उसने कमा लिया, और ये बेचारा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गंवा लिया। याद रखना, यहूदा कहता होगा कि दिल में मसीह की प्यार को जो आ रही है मैं रोकता था, उससे अभी पूछोगे ना बताएगा, मैं रोकता था और मौत जो यीशु मसीह पर आ रही थी उसको देख के रोता था, छुप छुप के देखता था कि यीशु मसीह को कैसे कोड़े मार रहे हैं, 39 कोड़े बरसा रहे हैं,
जैसे क्रूस लाद रहा है। मैं तड़पता था लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। मैं सोचा कैसे जाऊँ, उसके पीछे जाऊँ, उसके साथ जाऊँ, उसके क्रूस को उठाऊँ, उसके साथ रहूँ, उसके भाला भोकर मैं देखूँ, उसके कहन लिखकर रखूँ, मैं हाथ लगा के दबाऊँ, पट्टी बांधूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ नहीं, मौका नहीं। अब एक रास्ता फ्रस्ट्रेशन, और मैं भागा और फांसी लगाया और मर गया। क्या फायदा हुआ? यहूदा वाज़ ए गुड मैन, लेकिन बैड एंड हो गया उसका। याद रखना, यही भाव को लेकर प्रभा जो गा रही है, उदित ने जो लिख के बयान किया है ना, गॉड ब्लेस यू उदित, और प्रभा दे गई, गा गई, और उसको सुनिए आप, ध्यान से सुनना कि हमको कैसे आशीष मिलती है। वही कीलों से उसको ठोका, और जो हुआ वो जो है गुनहगार है, जो गुनहगार है वो देख रहा है, देख के सह नहीं पाया और जाके अपने आप को फांसी लगा लिया। और देखिए यीशु मसीह फिर भी उस यहूदा को मित्र कहता है। आइए हम प्रभा के इस गीत के उस दूसरे अंत को सुनेंगे। आंसू भरी दुआ की आती है याद, और मरियम के गम को कैसे बयान किए। अब देखें, अपने आप को सुधारें, अपने जो अवसर मिला है बहुमूल्य समझते हुए आइए हम प्रभु के चरणों में अपने सर को झुकाएं। हमारे दयालु जीवते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने ये जीवता वचन हमें दिया। जो भी है खुदा, हम अपने ज्ञान के अनुसार हम बातें करते हैं, लेकिन आशीष तुझसे चाहते हैं। तेरी आत्मा की बारिश होने दे, और खुदा हम में से हरे जितनों ने सुना, जितने को आवश्यकता है, तेरे वचन पहुंचाई जाए, और इस अंतिम समय में, अंतिम दिनों में तेरी सहायता चाहते हैं। खुदाउन ये परेशानियाँ जो है, महामारी जो है, सारे विश्व से उठा ले, और लोगों को सबक दे कि हम सब 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 तेरे पीछे चलकर तेरे आशीष को प्राप्त कर सकें, तेरे कलीसियाओं के द्वार खुल सके, तेरी इबादत कर सके। धन्यवाद देते हैं कि इसका भी अवसर तूने दिया कि घर घर को तूने एक कलीसिया बनाया, इसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इबादत के समय को तूने बढ़ाया, दुआ का जीवन दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हर एक पर तेरी आशीष को चाहते हैं, और दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आशीष ग्रहण करें कुमार रेवरेंट के द्वारा। आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर जो शांति का दाता है, तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारे देह प्राण और आत्मा को मसीह यीशु के आते तक निर्दोष और सुरक्षित रखे। परमेश्वर सच्चा है और ऐसा करेगा भी। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, संगति, सहभागिता तुम में से हर एक के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।
आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष।